साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज अपने कुछ नए टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं यार, कि कोई मतलब मजे वाली बात नहीं है। कि पहली बात तो आप इतने कमेंट्स, इतने कॉल, इतने व्हाट्सएप कॉल, इतने मैसेज, टेक्स्ट मैसेज इतने करते हो, सर वैकेंसी बताओ, सर अब काम ये काम आए तो हमें बताओ, सर शटडाउन का जॉब आए तो हमें बताओ, सर मैन पावर के पास जॉब आए तो हमें बताओ। तो साथियों मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ 3 वीडियो मैंने डाल के एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है? एक्सपेरिमेंट समझते हो, किसी चीज़ पे शोध करना। जी हाँ साथियों, हमारे राजस्थान में जो मैन पावर एजेंसीज हैं, मैंने नंबर भी डाला था, उमेश सिंह जी, लक्ष्मगढ़, राजस्थान, सीकर, ऐसा कुछ 3 वीडियो मैंने डाले थे, ठीक है? 3 की कैटेगरी में लगभग 2 वीडियो कतर से रिलेटेड थे, एक वीडियो शायद कुवैत से, ऐसा कुछ दुबई से रिलेटेड होगा शायद। 3 वीडियो मैंने डाले थे साथियों। कतर वाले की बात करें, 17 अगस्त का उसका इंटरव्यू था, शटडाउन जॉब से रिलेटेड वो जॉब था, ठीक है? और मैंने वीडियो डाला था, इतनी इंक्वायरी आ रही थी शटडाउन जॉब, जो मेडिकल खासतौर से अनफिट, जो शॉर्ट टाइम वीजा में जाना चाहते हैं, जल्दी जाना चाहते हैं, ये वगैरह वगैरह। तो मैंने वो वीडियो लगभग 7 दिन पहले मैंने भी रिक्वेस्ट करी उनको कि यार वैकेंसी आपके पास आए तो मुझे 5-7 दिन पहले बताओ, ताकि लोगों तक वो वीडियो पहुंचे, लोग आपको कॉल करके इंटरव्यू देने के लिए आए, ताकि उनको टाइम मिल जाए। जबकि होता क्या, मैन पावर के पास वैकेंसी आती है 2 या 3 दिन पहले मात्र, ठीक है साथियों? और उसमें मैं बता दूं आपको, मैं साथ में स्क्रीनशॉट डालूंगा, आप चेक करना, कतर जॉब से रिलेटेड मैंने वीडियो डाला था, लगभग 5 दिन में वो वीडियो 8,000 लोगों ने देखा, ठीक है? गौर से सुनना मेरी बात को, 8,000 लोगों ने वो वीडियो देखा। और उसमें से ज्यादा मैं बड़ी वाली बातें नहीं करता, मैं हमेशा नीचे वाली बातें करता हूँ। 500 कॉल, कम से कम 8,000 लोगों में से 500 लोगों ने ऑफिस में कॉल किया। मैंने उनको बोला सर अपना नंबर दीजिए, ताकि लड़के आपके पास डायरेक्ट कॉल करके ज्यादा इंक्वायरी लेंगे, फिर इंटरव्यू के लिए आ जाएंगे। तो 500 लोगों ने 7 दिन में कॉल किया, यानी पर डे मेरे हिसाब से 80-90-100 कॉल हो जाते हैं रोज के। भाई मैं बता दूं, 500 लोगों में से 17 तारीख को शाम को मैंने 8-9 बजे कॉल किया कि सर आपके पास मेरा वीडियो देख के कोई बंदे पहुंचे, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या यार, हमारी लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हैं मारवाड़ी में, क्या यार भाई इतना डिस्टर्ब कर दिया, इतने ज्यादा कॉल आए, इतने ज्यादा है, बंदा एक भी नहीं पहुंचा, सोचने की बात है। तो भैया आपने जक मारने के लिए उनको कॉल किया फिर? अगर आपको नहीं जाना है नो प्रॉब्लम, मत जाओ, किसने बोला कि आपको आना पड़ेगा? लेकिन कॉल करने की कहां जरूरत है यार, 500 लोगों में से 5 बंदे भी पहुंचते तो अगले को भी ये लगता है यार अपना टाइम खराब हुआ, चलो 5 बंदे अपने पास आ गए। कहने का मतलब ये है कि आप अगले बंदे को परेशान भी कर देते हो कॉल पे कॉल करके, फिर आप पहुंचते नहीं हो। इससे पहले मैंने एक इंडिया में बिना पासपोर्ट के जॉब से रिलेटेड एक वीडियो डाला था, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया था, 50 लोगों को मैंने पर्सनली व्हाट्सएप पे नंबर दिए थे, सर हमें आना है, हम निकल गए, बस पहुंच जाएंगे, आप कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। 50 लड़कों को मैंने नंबर दिया, बंदे पहुंचे 3, वो भी हमारे लोकल सीकर जिले के थे, समझ रहे हो? एक वीडियो डाला, सेम कंडीशन ये है कि भैया वीडियो डाल के अगले को परेशान करने का कोई मतलब, कोई सारांश नहीं है। ये चीजें तब समझ में आती है तब इस प्रैक्टिकल में अपन घुसते हैं। तो आज से मैं वीडियो डालूंगा, अगर कोई आएगा मेरे पास, पहली बात तो मैं लेता भी नहीं, लोग इतना जल्दी मेरे से कॉन्टेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि भैया विदेश के मामले में धांधली होती है, मेरे पास वो कोई चारा नहीं है, तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट नहीं करते। कुछ बंदे मेरे निजी हैं, जो जानकार हैं, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उनके पास वैकेंसी आती है तो आप लोग कॉल करके परेशान कर लेते हो, लेकिन वहां तक पहुंचते नहीं हो, तो नंबर देने के फायदा क्या? आज के बाद मेरी बात को नोट करें, 3 वीडियो पे मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, कोई सेंस नहीं निकला, नंबर देके अगला परेशान। मैं बता दूं हमारे राजस्थान में, बाहर की तो मुझे इतना, हालांकि मुझे सब नॉलेज है, लेकिन मैं बता दूं हमारे प्रैक्टिकल में क्या होता है। जैसे एक मैन पावर एजेंट है, ठीक है, एक मैन पावर एजेंट है, वो 10 साल से काम कर रहा है, 5 साल से काम कर रहा है, तो उनके पास कम से कम 100-150-200 एजेंटों की लिस्ट होती है, उनके लैपटॉप में सिस्टम में नंबर फीड होते हैं, या फिर एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप नंबर डाला हुआ होता है, ठीक है, उसमें वो वैकेंसी छोड़ देते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे 200-300 वैकेंसी नहीं आती एक साथ में, 20-30-50-100 वैकेंसी आती है। और अगर उनके पास 200 एजेंट है, वो 2-2 पासपोर्ट भी लाते हैं, तो 400 पासपोर्ट हो जाते हैं बिना कोई टेंशन। डायरेक्ट एक बंदा होता है, एक बंदा 50 बार फोन करके भी नहीं आता, और एक उनके पास 200 एजेंट है, उनको सिर्फ मैसेज करना होता है, टाइप करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालना होता है, वो नहीं कॉल करते हैं, उनके पास पासपोर्ट पहले से जमा होते हैं, वो लड़कों को बुला लेते हैं, इंटरव्यू दिलवा देते हैं, ठीक है साथियों? ये सिस्टम होता है बिना कोई झंझट के। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके वीडियो में नंबर डाल दिए, 9,000 लोगों ने वीडियो देखा, 500-600 लोगों ने कॉल किया, एक बंदा नहीं पहुंचा। इसका क्या मतलब होता है कि आगे के लिए ये सिस्टम क्लोज। भाई मैं बंद कर रहा हूँ, वीडियो डालूंगा,
वीडियो मेरा डालने का है, जो जिसको मैं बता दूं इसका दूसरा ऑप्शन क्या होगा, जिसको जरूरत होगी तो वो आएगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं वीडियो डालूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दूंगा, सिर्फ एड्रेस दूंगा, सिर्फ एड्रेस दूंगा। अगर आपको ये लगता है कि रियल में मुझे जॉब की इसकी जरूरत है, तो वो उस एड्रेस पे पहुंच जाएगा बिना कॉल किए, ठीक है। या मुझे अगर वो यहाँ आके कॉल करता है तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा कि फलानी जगह लबाकी एड्रेस दे दूंगा, मुझे कॉल करने कोई जरूरत नहीं है, वहां सीधा जाओ इंटरव्यू दो, अगर सिलेक्शन हो जाता हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा ऑप्शन ये कि मैं नंबर तब दूंगा जब आप मुझे मेरी 500 रुपये फीस दोगे। सीधी सी बात है, 500 रुपये फीस देने का मतलब ये होता है कि मैं आपको बोल दूं सर नंबर व्हाट्सएप पे दूंगा, तो इतने ज्यादा नहीं तो आधे कॉल आ जाएंगे, सर वो नंबर दे दो हमें, नंबर दे दो। तो बात तो वही आ गई, वीडियो में नंबर छोड़ दो या मैं नंबर दे दो, बात तो एक ही है। जो आदमी 500 रुपये फीस दे के नंबर लेगा ना, वो 100% इंटरव्यू के लिए जाएगा, समझ गए बात को। और अगर आप नंबर लेके नहीं, पैसा दे के नंबर लेना चाहते हो, तो एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस डाल दूंगा, उस एड्रेस पे डायरेक्ट आप इंटरव्यू दो। आ रही है बात समझ में? तो भैया ये सिस्टम बंद है, सिर्फ एड्रेस डालूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर लेना है तो फीस देनी होगी, फीस नहीं देना है तो एड्रेस डाल दूंगा, आप वहां पे कॉन्टेक्ट करें। ये सिस्टम आज से बंद कर रहा हूँ, जॉब डालूंगा, आपको अच्छा लगे तो वहां पे इंटरव्यू दे सकते हैं। क्योंकि जो मैन पावर होते हैं ना, उनको जरूरत नहीं होती, उनको आप लोगों की कोई जरूरत नहीं होती, ये दिमाग से निकाल दो। जो अच्छे मैन पावर होते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनके पास लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं। मैंने 2-3 वीडियो पहले भी डाल रखे हैं कि हमारे यहाँ इंटरव्यू होती है तो लोग लाइन में लगाते हैं, जैसे एटीएम में लगाते हैं ना लाइन, वैसे लाइन लगा के इंटरव्यू देते हैं, उनको जरूरत नहीं होती लोगों की। तो उसने साफ मना कर दिया कि भाई मेरे नंबर मत देना, एड्रेस दे देना, जिसको जाना आना होगा आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन मैंने ये सोचा कि मैं फीस लेके नंबर दूं, जो फीस लेके नंबर लेगा, फीस दे के नंबर लेगा, वो 100% इंटरव्यू के लिए आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, ताकि इस पे नेक्स्ट में मैं दोबारा से वीडियो डाल सकूं, अगर आपके कमेंट के आधार पे। मेरे हिसाब से मैंने ये सजेशन लिया है कि भैया सब परेशान है, समझ गए बात को। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, ठीक है। साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही नई वैकेंसी डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, वंदे।